जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच्चा, आपका सामान बच्चा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी मदद नहीं करते। रास्ते पर चलने की प्रेरणा इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की आपको और चलने की कोई शक्ति नहीं, की कोई मदद भी नहीं। जो गृहस्थ आश्रम को शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच्चा, आपका सामान बच्चा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। कामना रखे इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच्चा, आपका सामान बच्चा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच्चा, आपका सामान बच्चा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच्चा, आपका सामान बच्चा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की
कोई शक्ति नहीं जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई, झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई, झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा कल्ला खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई, झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई, झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा कल्ला खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई, झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पान करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की
और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा किल्ला खान पढ़ करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपने कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पर करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सत्य रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पर करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने बताने सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति ना हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा गंदा खान पर करके आप खराब हो गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की समझने की और चलने की कोई शक्ति नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान